वालेकुम व्यूवर्स तो आज हम फाइनली अपने जो स्टिच्ड कुर्ताज़ थे जो हमने शेयर प्राइस से ऑर्डर किए थे उनकी बात करेंगे कदर के हैं दोनों और मीडियम साइज़ में मैंने इनको ऑर्डर किया था सो फाइनली ऑर्डर आपको पता है कि सेवनटीन थाउजेंड का बना था लेकिन अब फाइनल जो हैं इनको जो कुर्ताज़ थे उनको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इनका स्टफ़ कैसा है सो so, पहला जो कुर्ता है वो ये वाला प्लेन है इसको निकालते हैं कदर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है स्टिच्ड की भी और अनस्टिच्ड की भी तो ये बहुत ज़्यादा लग्ज़री कदर तो नहीं है लेकिन बिल्कुल बेसिक भी नहीं है तो प्राइस के हवाले से मुझे ये बड़ा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको फंकी सा था किसी भी आपकी डेनम जीन्स के ऊपर ये अच्छा लगेगा लाइट ब्लू हो या डार्क ब्लू हो दोनों जीन्स के साथ ठीक लगेगा कैजुअल कुर्ता सिला हुआ है बिल्कुल डेली वेयर के हिसाब से और स्क्वेयर कट है इसका स्लीव्स भी जो हैं इसके प्रॉपर लंबे थे और ब्रॉड थे यानी नैरो स्टिचिंग नहीं है ब्रॉड स्लीव्स हैं और इसके गले की बात करें तो ये गोल गला है और इसकी जो बैक है गले की वो एक हुक लगा हुआ है यानी हुक से इसको अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो इसकी स्टिचिंग को काफ़ी मॉडर्नाइज़ कर देती हैं सिंपल भी हो सकता था ये गला आगे पीछे से लेकिन छोटा छोटा एलिमेंट इनके रेडी टू वेयर्स में बड़ा अच्छा होता है किसी भी ब्रांड का तो इसकी जी ओरिजिनल प्राइस जो थी ट्वेंटी टू हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ थी और ये मुझे सेल में सिक्सटीन हंड्रेड का मिला था सो so, उस हिसाब से स्टिचिंग भी और कपड़ा भी सब कुछ मिला के काफ़ी अच्छा था प्लस आपके घर के डोर स्टेप पर आ जाता है सो so, ये एल कट के साथ देख लें सो फॉर मी ये टेन ऑन टेन था स्टिचिंग के साथ दूसरा जी हमारा लॉन्ग फ्रॉक था और लॉन्ग फ्रॉक आपको पता है जैसे बाकी ब्रांड्स जो हैं सिक्स थाउजेंड फाइव थाउजेंड उनकी नॉर्मल प्राइस है तो उस हिसाब से ये वाला जो है ये बहुत ही मुझे रीज़नेबल मिल गया और पहनने में भी बहुत ईजी था इसको मैंने ट्राई किया सो so ये जो था इसकी काफ़ी डिफरेंट कटिंग थी एक तो कपड़ा प्रॉपर बना हुआ था फ्रॉक जितना ही और घेरा भी इसका अच्छा था और इसका जो गला है वो डबल बैन वाला था और इसके बटन्स थे तीन ये देखें जी ये डबल बैन है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग स्टिचिंग इसकी है बहुत ही नफासत के साथ स्टिचिंग हुई है और ये डबल बैन जिसको मैं कह रही हूँ कि डबल लेयर नज़र आ रही है आपके नेकलाइन पर सो so, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये आपको कैमरा में भी फ़ील इसकी गरम गरम आ रही होगी यानी स्टाफ हल्का फुल्का नहीं था बाकी इसकी बैक साइड पे भी जिस तरह प्रॉपर इसकी फिनिशिंग दी हुई है पीछे सिंपल गला नहीं है प्रॉपर बैन बना हुआ है नेक्स्ट जी जो ये ब्रांड्स का टच आता है वो देखें बैक साइड जो है बैक साइड पर भी प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग है और एक अलग ही उसकी फ़ील आती है मतलब आप कैजूअल okay, भी सीधा सीधा भी फ्रॉक स्टिच कर सकते हैं लेकिन ये ब्रांड का एक एलिमेंट और एक टच जो है वो आपको नज़र आता है तो आपको काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है सो so, ये इस तरह से जी इसकी पूरी बैक की मैं दिखा रही हूँ ये वाली एक सिलाई लगेगी एक इस तरह से वर्टिकल और ये थोड़ा सा ओपन है तो अगर आप खुद भी स्टिच कर रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा एक डिज़ाइन है खुला कपड़ा लेकर आप इसको खुद भी इस तरह से स्टिच करवा सकते हैं बाकी जी जो मेन इसकी लाइमलाइट थी वो ये थी इसके बाजू एम्ब्रॉयडरी जो की गई है वो ट्रेडिशनल भी है और मॉडर्न भी है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे से और बहुत फिक्स है तो देखें इसको अंदर से खाली नहीं छोड़ा गया प्रॉपर प्लेन पर्पल कलर का उसको कपड़ा लगाकर उसको पूरी फिनिश दी गई है और ये टिच बटन्स हैं दो जिसके साथ इसकी पूरी फिनिश्ड लुक आती है तो ये जी सारे पैसे सारा जो नाम है वो इस स्टिचिंग का और स्टाइल का चला जाता है जो छोटी मोटी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं हर चीज़ पर हर डिटेल पर पूरा फोकस किया जाता है तो फुल लेंथ बाजू थे ओवरऑल बहुत ही इजी और कैजुअल लुक थी इसकी आप थोड़ी सी इसके साथ ज्वेलरी पहन के इसको आप कैजुअल से फॉर्मल टच भी दे सकते हैं क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड है प्लस इस कपड़े की मुझे एक और अच्छी बात ये भी लगी थी Uh, कि ये पीछे से वाइट कलर का नहीं है यानी ये पर्पल देखे ना पीछे खद्दर के वाइट नज़र आ रहा होता है वैसा नहीं है सेकेंडली इसकी स्टिचिंग में जो और एक हाईलाइट थी वो ये था कि साइड पर चाक रखने की बजाय ये सामने हमें दो कट्स नज़र आ रहे हैं इससे आप देख लें ये दोनों तरफ से कट्स हैं बाकी सारा बंद है और आगे से ये जो सिलाई ऊपर से नीचे तक आ रही थी उधर से इन्होंने कट किया है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा इसका हाईलाइट लगा था ये यहाँ से अब देखें पूरा दामन है ये फ्रंट का ये कट्स हैं अब इन कट्स के अंदर से आप कोई भी इसके साथ जो जीन्स पेयर करेंगे वो जीन्स आपकी बड़ी अच्छी सी नज़र आएंगी और फैब्रिक भी पीछे से वाइट नहीं है पर्पल है सारा तो पर्पल का जो एक कलर है वो फेड अवे नहीं होगा तो ये मुझे इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लगी थी मैं डेफ़िनेटली इसी तरह का एक कम्फर्टेबल सा लॉन्ग फ्रॉक और भी सिलाई करवाऊँगी इस लॉन्ग फ्रॉक की बात की जाए प्राइस की तो ये जी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड समथिंग का मुझे पड़ा था सेल में सो so, स्टिचिंग और फैब्रिक दिखा दिया मैंने आपको इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हाफिज़